इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा में रमजान शुरू होते ही टीएमसी ने सड़क किनारे हॉकर्स को बैठने नहीं दिया। ऐसे में हॉकर्स में देखा जाए तो दो तीन भागों में बटे हुए हैं। मनपा ने सड़क किनारे धंधा नहीं लगाने दिया और मित्तल में रमजान मार्केट लगाने को कहा, लेकिन हॉकर सड़क किनारे ही धंधा लगाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन के लीडर इरशाद ने कहा है कि अगर सड़कों पर धंधा लगा तो यूनियन भी सड़क पर धंधा लगाएगी। एक वजह ये भी मानी जा रही है कि शायद इसकी वजह से मनपा और सख्त हो गई। कहा जा रहा था कि 5 रमजान 10 रमजान से सड़क किनारे धंधा लगाया जाएगा, मगर मनपा ने अपना कड़ा रुख अपनाया और किसी को भी सड़क किनारे धंधा लगाने की अनुमति नहीं दी। और धंधा ना लगा पाने की वजह से हॉकर्स परेशान है क्योंकि उनका पूरा रमजान बर्बाद हो गया है। मगर तनवर नगर पुराना पेट्रोल पंप की जगह पर वहां मंडप बनाकर हॉकर्स को धंधा लगाने को कहा गया है। बात ये भी सामने आ रही कि कुछ हॉकर्स कह रहे हैं कि मार्केट टीएमसी द्वारा लगवाई जा रही है और रमजान में यहाँ धंधा लगाने को कहा है, यहाँ तक कि किसी से भी पैसा नहीं लिया जाएगा। मगर तरवन नगर पुराना पेट्रोल पंप की जमीन पर मंडप बांधकर हॉकर्स को धंधा लगाने को कहा गया है। बात ये भी सामने आ रही है कि कुछ हॉकर्स कह रहे हैं कि मार्केट टीएमसी द्वारा लगवाई जा रही है और रमजान में यहाँ धंधा लगाने को कहा है, यहाँ तक कि किसी से पैसे नहीं लिया जाएगा। मगर कल उसी जगह पैसा मांगने को लेकर बवाल हुआ हॉकर्स कुछ नगर सेवकों पर और उनके नाम से कुछ लोग हॉकर्स से जगह देने के लिए पैसों की मांग कर रहे हैं। अब हॉकर्स को समझ नहीं आ रहा है कि एक तो धंधा बंद है और उधर धंधा लगाने के लिए पैसे मांगने वालों की लूट मची हुई है। दोहरी मार झेलते हुए हॉकर्स नजर आ रहे हैं। देखिए हॉकर्स किस तरह बता रहे हैं कि उनसे जगह देने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। 15 रोजे के बाद भी म्युनिसिपैलिटी ने देने का ऑफिशियल बता रहा हूँ। आपको लोगों ने आपको यही बोला ऑफिशियल लोगों ने ध्यान दो ना, किसी के अफवाह पे ध्यान मत दो। तो रमजान के बाद भी लगेगा? रमजान के बाद फिर म्युनिसिपैलिटी डिसीजन लेगी, लेकिन अभी रमजान तक हम लोग को दिया गया किसी का अफवाह पे सुनो ही नहीं। अपनी तरफ से लगा के तेरे गलत बात है, बोल रहे बोले मंडप का पैसा म्युनिसिपैलिटी वाले आयुक्त दे रहे हैं, म्युनिसिपैलिटी वाले दे रहे हैं, थाना महानगर पालिका वाले दे रहे हैं। सुनो मत आप किसी की बात, अभी बात है वही। अरे नहीं सुनो किसी की बात, आप हम लोग के लिए लाभ एक बार बात कर लीजिए मैडम। आप इस पर म्युनिसिपैलिटी वालों ने रीदा मैडम से भी बात हुई है, रीदा मैडम क्या बोले म्युनिसिपैलिटी वाले उन्होंने भी आश्वासन दिया है काटा जाएगा। अच्छा 15वीं असल में किसके लिए बनी है? पर्सनल किसी का नहीं है, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? हॉकर्स लोगों के लिए किया जा रहा है, पर्सनल कोई का किसी का नहीं। महीने वाले लोग के लिए कैसे? रमजान वाले लोग नहीं नहीं हॉकर्स वालों को बोले कम से कम कोशिश करेंगे कि मंडप का पैसा कम से ले, चाहे कम से कम ले, चाहे 5,000 हो, चाहे 6,000 हो, 10,000 हो, कोई फिक्स नहीं हुआ है, बाद में फैसला होगा। छानबड़ा ने भी अशरफ अपने नगर सेवक उन्होंने कहा, सबसे सबके बीच में बात की है, रिकॉर्ड भी हुआ है वीडियो में। या पैसा भरेगा सच मानो, 4 महीने से हम लोग की हाल में है, आपको पूछा नहीं है। मैडम ने बहुत कोशिश करे इस वजह से लड़ रहे मैडम खास करके, तो म्युनिसिपैलिटी वालों ने आश्वासन दिया कि पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक है, और आपको दिया जाएगा, नहीं नहीं लिया जाएगा। म्युनिसिपैलिटी वाले कभी आएंगे हम लोगों को मतलब जगह आएंगे? 15वें रोजे की बात है, आज कोई उगाला वाटअप नहीं हो रहा है, आप किसी की बात सुनो मत। वो अंदर बोल रहे कल आने को, छोड़ दो म्युनिसिपैलिटी वाले म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर आएगा ना वो बताएगा, किसी के अफवाह में ध्यान ना, किसी का पर्सनल वही नगर सेवक सानू पठान ने बताया है कि प्राइवेट जगह है और आमदार जितेंद्र अवार्ड की तरफ से ये बनाया गया है। हॉकर्स
रमजान में यहां धंधा लगाए और नगर सेवक सानू पठान ने पैसे मांगने की बात भी कबूल की है। मुझे तो आपके माध्यम से मालूम पड़ा कि हंगामा हो रहा है, अभी जब से हम लोग यहाँ तो रोड डेली आ रहे हैं कुछ हंगामा ही नहीं, लेकिन अभी बाहर जो है लोग बाहर तो रोड पे रोज डेली हंगामा रहता होते रहता है, अभी उसके बारे में हमको क्या मालूम, यहाँ तो कुछ हंगामा हुआ नहीं, लेकिन फिर भी कुछ सुपारी बाद लोग आते हैं यहाँ सुपारी देके बेचते कि हंगामा करो। सुपारी लेने का आरोप आप पे लग रहा है कि आप मंडप बांधने का पैसा मांग रहे हैं, कुछ लोग ऐसे बाहर हैं जो कह रहे हैं मंडप बांधने का पैसा। हाँ मुझे तो मालूम ही नहीं, ये प्रॉपर्टी तो प्राइवेट है, अगर यहाँ पे कुछ बन रहा है लोगों की सुविधा के नहीं तो उस पर क्या मामला दिया जाए। जैसा माननीय आमदार जितेंद्र रावत साहब के साथ मिल के लैंड जो जगह मालिक है उनसे आज 15 दिनों से डिस्कशन चल रही है, और डिस्कशन के बाद जैसे मित्तल में गुलाब पार्क मार्केट को शिफ्टिंग किया गया कई मेहनतों के बाद, ऐसा ही ये मार्केट के लिए मुमरा कोसा में ईद की मार्केट लगती थी, ईद की मार्केट अब कहाँ लगेगी। पुलिस प्रशासन ने मिलकर ये तय किया कि भाई रोड पे ये बार कुछ नहीं लगेगा, रोड बन गया, तो उसके बाद हम माननीय जितेंद्र रावत साहब और हमारे सभी नगर सेवक सैयद अली भाई साहब, शमीम खान साहब और हमारे जितने भी लोग हैं उन्होंने डिस्कशन करके बोला कि रमज़ान में मार्केट लगना चाहिए और हॉकर्सों को जगह बैठने दी जाना चाहिए, वो कैसे दी जाएगी। तो उसमें हमको एक ये और एक मित्तल का रोड प्लॉट, दो प्लॉट हमने ये सोचा कि इधर कुछ बना के लोगों को दिया जाना चाहिए, तो कैसे दिया जाए, तो उसके लिए यही एक सोल्यूशन निकला कि 15 दिनों से इसके ऊपर डिस्कशन हो रहा था कि ये जो बनाएंगे, ये बनाने का जिनको जो कॉन्ट्रेक्टर है वो बनाएगा और नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब ये जितना भी बनाने का गाना खर्चा हुआ है उसको डिवाइड कर देंगे 300 गाले में 290 गाले में, और वो जो डायरेक्ट कॉन्ट्रेक्टर जो बनाएगा वो कॉन्ट्रेक्टर उनसे बनाने का खर्चा डायरेक्ट लेगा। अभी जो लोगों का कहना है कि टीएमसी ये बनाकर फ्री में दे रही है और आप मुझे नहीं कि जो है ये मुझे नहीं मालूम, मैं आपके मुंह से सुना कि टीएम मुझे नहीं मालूम इसका खर्च बताया जा रहा है वो कितना तक, मुझे नहीं मालूम, मैं आपके मुंह से सुना कि टीएमसी ये बना रही है और लोगों को दे रही है, अगर टीएमसी कुछ बना के दे रही होती तो मेरे को अभी तो मुझे मालूम नहीं पड़ा। हम जितने भी लोग बना रहे हैं हम लोगों का सहयोग मांगा है कि लोग रास्ते पे ना बैठे, और आपके माध्यम से भी यही बोलो कि एक आप लोग जिम्मेदार लोग इस शहर के, आप लोग शहरवासियों से रिक्वेस्ट करें कि भाई रोड पर धंधा ना लगाते हुए, नो प्रॉफिट नो लॉस, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपको यकीन दिलाता हूँ आप मुझसे और हम जितने भी लोग हैं यहाँ से आप उनको हम जवाबदारी से बोलते कि यहाँ जितना खर्चा हुआ है उतना ही लोगों से पैसा लिया जाएगा। ये कब तक मार्केट दिया जाएगा लोगों के लिए? 2 दिन में लोगों को दे दिया जाए। अब कितने गाले हैं यहाँ पर टोटल? 290 से 300 गाले। लेकिन सानू भाई एक बात ये साफ बताइए कि ये कहाँ के लोगों को यहाँ शिफ्ट किया जाएगा, कहाँ पे वो मार्केट लगाते थे? आपको बता तो रहा हूँ, गुलाब पार्क मार्केट को मित्तल में दे दिया, उसके ये मार्केट सिर्फ ईद में जो लगाते, ईद में जो लगाते हैं 15 दिन के लिए, ये उनके लिए 15 दिन का नहीं, मार्केट कायम नहीं रहेगा सिर्फ 15 दिन के लिए, ईद में 15 दिन के लिए। लोग बता रहे हैं कि एक मिनट रुको, लोग ये कह रहे हैं कि जो यहाँ के रहवासी है उनको नहीं मिल रहा है, अभी बाहर खड़े लोग जो यहाँ के लोग हैं जो लगाते हैं जगह पे रहते हैं जो यहाँ पर रोड पे लगा ये जगह पे नहीं, जो मुंबरा शहर के रहने वाले लोग हैं उनको यहाँ पर नहीं मिल रहा है, जो बाहर के लोग हैं उनको यहाँ पर जगह दी जा रही है। नहीं तो बाहर के कौन मनी मार्केट से लोग आ रहे हैं नहीं, वो आप लोग बताइए ना किसको दी रही किसको नहीं दी जा रही, ये नया सवाल है, वो आप लोग बताइए किसको दी जा रही किसको नहीं दी जा रही। ऐसा है ना सर, आपको एक बात बता, हम आपसे वादा करते हैं, हम मुंबरा कोसा के लोग जो यहाँ के लोग हैं जो धंधा लगाते हैं जो कोसा के तो मुमरा कोसा के लोग हम उन्हीं को देंगे, हम आपको यकीन दिलाते हम उनको ही देंगे। कहा कि हॉकर्स को पैसे देने होंगे यहाँ धंधा लगाने के लिए, क्योंकि जिस कॉन्ट्रेक्टर ने ये मार्केट का मंडप बांधने में जो खर्च किया है वो खर्च वसूला जाएगा। एक तरफ मजबूर हॉकर्स कहा जाए कुछ समझ नहीं आ रहा है, अगर जगह भी कहीं मिलती है किसी बहाने से पैसे वसूलने की बात सामने आ जाती है। करीब 300
कि लगभग यहाँ गाले बनाए गए हैं मगर उन्हें मिलेगा जो पैसे देगा। मगर वहाँ हॉकर्स का कहना है कि पहले फ्री में देने की बात हुई थी और अब पैसे मांगे जा रहे हैं। ऐसे में कुछ हॉकर्स ने ये भी बताया कि धंधा ना लगाने की वजह से पैसे नहीं है, घर का खर्च भी चलाना मुश्किल हो रहा है, सामने ईद भी है, ऐसे में क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस रमजान में हॉकर्स को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक इन हॉकर्सों को कहीं भी धंधा लगाने की जगह नहीं मुहैया कराई गई है और अगर जगह दी भी जा रही है तो वहाँ पैसों की मांग की जा रही है, लेकिन धंधा ना लगाने की वजह से हॉकरों के पास पैसे नहीं है, यहाँ तक कि उन्हें घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है, तो वो पैसे देकर धंधा कैसे लगाए। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।